भारत की राजधानी क्या है? राजधानी न अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है शालू जी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से रोबर्ट शालू जो हैं वो कंप्यूटर के क्लास के साथ साथ सामान्य ज्ञान के सवालों का भी जो है वो जवाब दे रहे हैं। हमने शालू रोबोट को बनाने वाले टीचर से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके से उन्होंने इसको बनाया, और अभी आपने इसको सुना कि किस तरीके से ये सभी सवालों का जो जवाब दे रही है। हालांकि कुछ जो हैं गलतियाँ पाई गई हैं, लेकिन टीचर ये कह रहे हैं कि जल्द ही इन्हें दुरुस्त कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी भी ये जो है मेकिंग प्रोसेस में है। लेकिन खास बात यह है कि बच्चों को पढ़ाना जो है इन्होंने रोबोट ने 2 महीने पहले से शुरू कर दिया है। अब बच्चों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टीचर के पढ़ाने में और रोबोट के पढ़ाने में कितना अंतर है और बच्चे इसे किस तरीके से समझते हैं। आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि किस तरीके से जब टीचर शालू आपको पढ़ाती हैं तो दिनेश सर के पढ़ाने में और रोबोट के पढ़ाने में कितना अंतर है? मेरा नाम स्वरा है। शालू बहुत अच्छा पढ़ाती है और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। दिनेश सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ज़्यादा एंटरटेनिंग आप जो हैं किसके पढ़ाई को पाती हैं? शालू की पढ़ाई को। ठीक है, हमारे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी जो है नया कॉन्सेप्ट है, और ख़ास तौर पे अगर भारत जैसे अगर देश की बात करें तो बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की मनोस्थिति है वो क्या है, बच्चे किस तरीके से इस पढ़ाई को ले रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि जो टीचर शालू पढ़ाती हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा नाम विधि मोरे है और हाँ, टीचर शालू जो पढ़ा रही है वो समझ रहा है और वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रही है, और बीच बीच में वो पूछती भी है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, और वो डाउट्स भी क्लियर करती है। अच्छा, ये चूँकि नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए भी, अब जो है पूरा ज़माना जो है रोबोटिक्स कहा जा रहा है कि रोबोटिक्स का ज़माना जो है आने वाले सालों में होगा, तो आप क्या उम्मीद करती हैं कि इस तरीके से और भी जो रोबोट्स आने वाले दिनों में वो डेवलप किए जाए और आप जो हैं इंसानी शिक्षक के बजाय अब रोबोट्स के साथ पढ़ना पसंद करेंगे कि इंसान जो ह्यूमन टीचर है उसको ही आप प्रेफर करेंगे? हाँ, रोबोट्स आ सकते हैं, लेकिन अभी ह्यूमन टीचर्स प्रेफर ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ह्यूमन टीचर्स इमोशनली सपोर्ट करते हैं बच्चों को और वो बच्चों की सिचुएशन समझ सकते हैं, लेकिन रोबोट्स मैकेनिकली सिखाते हैं बच्चों को। तो ये केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 9वीं के छात्र थे जिन्हें आपने सुना। इनका साफ तौर पे कहना था कि किस तरीके से वो जब टीचर शालू इनको पढ़ाती हैं तो वो इस बात को एंजॉय तो करती हैं, जो रोबोट टीचर जो शालू हैं उनके पढ़ाने के तरीके को ये पसंद करती हैं, लेकिन जहाँ तक इमोशनल कनेक्ट की बात आती है तो बच्चों का कहना है कि इंसानी टीचर जो हैं वो बच्चे की भावना को अच्छी तरीके से समझती हैं, इसीलिए हम प्रीफर ये करेंगे कि रोबोट के बजाय इंसान पढ़ाए। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वक्त जब आगे बढ़ेगा तो रोबोट्स जो है वो कई सारे काम करते हुए दिखाई देंगे, ऐसे में बच्चे चाह रहे हैं कि शालू जैसे कई और रोबोट्स जो हैं वो आने वाले दिनों में हमको पढ़ाए। लेकिन प्रेफरेंस की अगर बात करें तो रोबोट के बजाय अभी भी जो है वो इंसानी टीचर को ज़्यादा बच्चे प्रीफर कर रहे हैं। कैमरामैन जावेद के साथ मैं कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़ मुंबई।